दोस्तों, बागपुर में फर्स्ट टाइम ड्रैगन फ्रूट जिसका नाम सुना होगा आपने, उसको आपको दिखाऊंगा इस नर्सरी में। और पसीना बहुत तेज आ रहा है, हमारे कुछ मित्र मजे ले रहे हैं और हमारे एक भैया हैं। भैया आपका नाम क्या, पहले नाम बताइए अपना। संजीव। भैया का नाम संजीव है। भैया यहाँ देख रेख करते हैं और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरी खेती है वो ड्रैगन फ्रूट की है। और ड्रैगन फ्रूट इस समय वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो रहा है पूरे विश्व में, और बहुत तेज़ी से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट को। यहाँ जो खेती छोटी सी खेती है, लेकिन नर्सरी की विशेषता यही है कि आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। एक फल में 10 अंडों की ताकत होती है। मतलब बता रहे हैं कि इसका जो एक फल होता है उसके अंदर 10 अंडों के मतलब एक बार ताकत होती है। तो आप अंडे छोड़ के इस ड्रैगन फ्रूट का उपयोग कर सकते हैं, आपको बड़ा पौष्टिकता मिलेगी आपकी बॉडी को। और खेती किस तरीके से होती है अभी भैया से पूछेंगे और आपको बताएंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से लेकर, ये आपको जितना दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे ड्रैगन फ्रूट हैं। ये देखिए जितनी खेती आपके यहाँ हुई है सब ड्रैगन फ्रूट की खेती हुई। फ्रेंड्स चलिए आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखाता हूँ मैं, और बाकी कुछ भैया से पूछेंगे अभी इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में। चलिए भैया आइए। ठीक भैया, बताइए इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में। इसे तो छोटा सा लगाते हैं, फिर इसकी देखभाल ज़्यादा करना पड़ती है ना। अच्छा, इसमें खाद डालते हैं, क्या डालते हैं? घोर की खाद पड़ती है इसे, देसी खाद। घोर क्या? ठीक है, देसी खाद पड़ती है, मतलब जो भी गोबर वाली खाद होती है भैंसों की, गली भी डालते हैं ना। मतलब गोबर की खाद, मतलब जो गाय भैंसों में गोबर मिलती है, खाद गोबर मिलता है, उसी को हम गीले रूप में डालते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उसी में डालते हैं। और ये देखिए सपोर्ट देकर, इस लकड़ी के द्वारा सपोर्ट देकर, सरिया के द्वारा सपोर्ट दी गई है, इस तरीके से इसको ऊपर किया गया है। और आपको मैं इसका फूल दिखाता हूँ जिसके बारे में भैया बताया। देखिए ये इसका फल बन चुका है, आपका ये फल है जिसमें भैया बता रहे हैं संजीव जी कि 10 अंडों के बराबर इसमें ताकत होती है। फल ये बन गया आपका, देखिए ये है, ये बन गया फल इस तरीके से। और चलिए आपको दिखाता हूँ फल में, फल आपका ये बन गया। ये देखिए जब वो ग्रीन होता है तो आप देखिए ये फूल खिलता है सामने, इसमें नाइट बता रहे भैया कि इसमें फूल खिलता है और ये इसका बन गया फल। इसी फल को खाना है आपको, लीजिए और पौष्टिक रखिए अपने आप को और पूरे शरीर को आपको। ये देखिए ये आपकी पूरी खेती हो गई इस तरीके से इस ड्रैगन फ्रूट। ये आ गया फल, तुम्हारा फल बन गया, इसका रात में फूल खिलता है ना। मतलब भैया बता रहे हैं कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये आ गया फल बन गया, फल बन गया है, रात में इसमें आपके फूल आएंगे। रात में तो इसका फूल जो होता है रात में खिलता है, वाइट कलर का, वाइट कलर का बताते हैं, खुल खिलता है। देखिए ये आपका पूरा ड्रैगन फ्रूट की खेती है। और बहुत दिन से मैं सोच रहा था आपको दिखाने के लिए दोस्तों इस खेती को, ड्रैगन फ्रूट की काफ़ी नाम सुना था क्या अगर ड्रैगन फ्रूट है क्या, आज देखा बड़ा अच्छा लग रहा मुझे यहाँ पे, और काफ़ी सपोर्ट मिला संजीव भैया का। हम आज 40 दिन के अंदर पकता ना फल, मतलब फल बता रहे हैं कि 40 दिन के अंदर इसका फल आता है। इसका डेट डाल देते हैं ना, कौन सा फल कब। अच्छा, मतलब इन पेड़ों के ऊपर एक डेट पड़ी हुई है कि इस पेड़ का फल किस दिन आया था, उस पर डेट डाल दी जाती है। मैंने उस साइड को देखा था, चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ मैंने देखा था, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ, कुछ जगह मतलब डेट डाल दी गई है कि इनका, देखिए आपको क्लोज करता हूँ, देखिए ये डेट पड़ी हुई है इसके ऊपर 30/5/2022, मतलब मई में इस तोड़ा गया था, दोबारा फिर बन चुका है ये। मतलब हर 40 दिन में ये फूल जो होता है वो फल बन जाता है और इसको तोड़ लेते हैं, किसी का यूज करते हैं, और काफ़ी मतलब महंगा बिकता है ये फूल। 100 रुपये मिलता है, 100 रुपये का एक मार्केट बिकता है ये। बाकी टेस्ट करेंगे, फलान दीजिए फिर इसका टेस्ट करेंगे हम। और आपके सामने देखिए ये पूरा सब खेती जो है वो ड्रैगन फ्रूट के, दोस्तों आपके सामने। बस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी तरीके की आपकी जो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होंगी आपके सामने आएंगी। और आने वाले जो ब्लॉग होंगे मेरे, अभी नहीं बाद में, जो जब भी आएंगे, मतलब यहाँ जितने भी पौधे हमारे पास हैं उनको आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों आइए अगर चलते हैं, और यहाँ की छोटी से हट है, कुछ लोग हमारे मित्र लोग इंजॉय कर रहे हैं, उनको नहा रहे, मजे दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ जो एक हट बनी पड़ी है झोपड़ी, उसको दिखाते हैं। कुछ और पेड़ लगे हुए हैं, दिखा देंगे बाकी आने वीडियोज़ में आपको। पूरा ये जो नर्सरी है इसको डिस्क्राइब करें दोस्तों। ये देखिए तुलसी का पौधा है, काला वाला, श्याम आप तुलसी बोलते हैं इसको। दोस्तों देखिए इस तरीके से यहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है, सब आपको मतलब रहने वाले के लिए जो भी करते हैं। और ये पौधे हैं देखिए, ये इसे बोलते हैं गुलहड़, देसी गुलहड़ है, इसमें रेड फूल आता है। और यहाँ पे अनानास, ये क्या भैया? अनानास का, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है पौधा अनानास का।
जिसको गवर्नमेंट विदेशों थाईलैंड से मंगाती है अनानास के पौधे को, इन बना रखे हैं डेढ़ पर लगा रहे हैं और बहुत सारे कम 2000 पेड़ लगाने, मतलब 2000 पेड़ों का डिसाइड किया गया है लगाने के लिए, और इसको यहीं पे ही आगे भविष्य में, अब मैं ही फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अब भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे देख के। और नर्सरी आपकी देखिए बहुत सारे, मतलब जहाँ देखो वहीं आपको ग्रीनरी दिखाई देगी और बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, आँखों को बड़ा सुकून मिलता है। चल रहे हैं देखो, और हमारे मित्र लोग नहा रहे हैं, ये इस तरीके से मतलब जो कैक्टस पेड़ हैं उनको सुरक्षा दी गई है इस नेट के द्वारा। और देखिए आपको और भी चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए तुलसी का पौधा है, हाँ तुलसी पौधा है ये, और थोड़ा मैं अंदर चल रहा हूँ। ये रबड़ प्लांट है, हाँ ये फ्रेंड्स भैया बता रहे हैं कि ये है रबड़ प्लांट, देखो इसका डिजाइन बना, देखिए इस पर डिजाइन बनाया गया है इस तरीके से, डिजाइन दिया गया है इस पेड़ को, देखिए ये भी है रबड़ का पौधा ही है, इस पर डिजाइन दिया गया है, ये सब जितने भी हैं सब रबड़ के पौधे हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सब पे डिजाइन बनाए गए हैं। ये अपना फाइकस का है इसमें, फाइकस पेड़ में, हाँ ये बता रहे भैया पौधा जो है फाइकस का है, हाँ इसमें हो गया जॉन्ड ये, मतलब डिजाइन दिया कट करके इसको, हाँ डिजाइन दिया गया, देखिए कट यहाँ से किया गया इसको, कट करके डिजाइन दिया ना इसमें सब, जी 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 जी, मतलब इन पौधों को कट किया गया है रबड़ के पौधों को फाइकस को, और उसके बाद से इन पर डिजाइन दिया गया है। भैया छोटी सी हट है ये, आपको दिखाई दे रहा हूँ ये यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, आप आ सकते हैं और यहाँ रुक भी सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया, बड़ा मुझे बड़ा मज़ा आया देख के इसको, और मुझे फीलिंग आ रही है गांव वाली, आज यहाँ पे आने के वजह से मुझे फीलिंग आ रही है गांव वाली फीलिंग आ रही है। फ्रेंड्स आइए आपको देखिए यहाँ जो फीलिंग आ रही है ना, तो पूरी फीलिंग गांव वाली आ रही है, अपने डबल्जर कैप का देख रखा है ना ये जी, हाँ थोड़ा सा गजब वाह, डिजाइन ऊपर भी है, मतलब ऊपर लकड़ी सब की सपोर्ट दी गई है, देखिए आपके सामने, और जिस तरीके से आपने बहुत सारी मूवीज़ हैं हॉलीवुड की उसमें जो रुकने की व्यवस्था होती है, जैसे देखिए पूरा यहाँ रखा गया है, यहाँ पे आप मतलब पूरा का पूरा जो फीलिंग आपको आएगा वो फीलिंग पूरा गांव वाला है अपने, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये ऊपर भी है रुकने के लिए, और इसके बता रहे भैया इसके ऊपर भी है रुकने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी के लिए भैया ने कमरा देखा, देखिए ये कैमरे लग रहे हैं, कैमरा भी है, अच्छी भाई अच्छी बात है, होना भी चाहिए कैमरे, अच्छी बात है, और ऊपर जाने के लिए जो है दिया गया, ऊपर सामान बढ़ाना भी है, अच्छा ऊपर सामान पड़ाओ भाई, हुआ नहीं है अभी आधा काम रहेगा, चलो आधा काम रह गया आगे, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, इसने हमारे खिड़की हो गई वो, इसने एसी लगाई, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं एसी लगाई जाएगी, और सिस्टम दिया यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं, सुबह मज़ा, मतलब मुझे याद आ मज़ा, यस याद आ रहा हिमान दार्जिलिंग साइड का, सिक्किम साइड का, वहाँ भी इस तरीके घर बनाए जाते हैं छोटे लकड़ी के, और सपोर्ट दी जाती है, मतलब मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, ऊपर सपोर्ट दी जाती है, ये मिट्टी घर है ना पूरा बना हुआ है, ऊपर छप्पर पड़वा हुआ है, हमने टीन सेट डाला है, अंत भाना है, जी जी, तो इसलिए उड़े, उड़ेगा नहीं ना ये, ऊपर टीन सेट डाला गया है, दीवारें जो आपकी हैं ऊपर वो मिट्टी में है, यहाँ सपोर्ट दी गई है एंगल डाल के, और ये आपका बांस बैम्बू है, बांस का बांस है ये, नीचे लकड़ी के फ्रेम लगाए गए हैं सपोर्ट के लिए, मतलब अल्टीमेट मजा आ गया दोस्तों, बहुत गजब की वीडियो है ये, ब्लॉग देखिए और एंजॉय करिए, कुछ आपको अलग दिखाने की कोशिश है मेरी, थोड़ा सा ब्लॉग लंबा होगा लेकिन मज़ा आपको आएगा। ये अपना गार्डन आ गया इधर, हाँ गार्डन, ये देखिए ये हट इस तरीके की है आपकी, आपको दिखाई दे रहा होगा, आइए और ये सामने ये सारे प्लांट लगाए गए हैं, मतलब इनको इन पौधों को बेचा जाता है, बेचते भी हैं, देखिए मैं दोबारा फिर रिव्यू करूंगा इसका बाद में, और यहाँ भी बरमुंडा घास लगी, बता रहे हैं मुझे यहाँ पे, ये जो नंबर वन घास रहती है बरमुंडा घास, भैया बता रहे हैं जो घास है सामने आपकी ये इसे बोलते हैं बरमुंडा घास, सबसे अच्छी घास बता रहे हैं भैया हमारे ये, और इस पर कैसी बैठो कैसी लेटो छिन नहीं सकती, मतलब बड़ा मज़ेदार रहती है ना, मुलायम रहती है, बहुत मुलायम घास है गद्देदार।
और ये रहा पूरा भैया का, आप गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, हाँ हट बोलते हैं, हट बोलिए, गेस्ट हाउस बोल दीजिए, और नर्सरी बल, तीनों सब मिक्सअप है इसमें और बहुत ही अच्छा है। एक छोटी सी हट वहाँ पे है और हमारे कुछ मूव में तो इन्जॉय कर रहे हैं और शाम के टाइम इन्जॉय करिए आप लेट के। और पूरा फ्रेंड डिस्क्राइब करूँगा बाद में, हमारे जो मित्र लोग नहा रहे हैं उनको दिखाता हूँ, ये रास्ता पूरा बना पड़ा है और मैं भी नहाऊंगा, पसीना पसीना पूरा हो गया है। घर से कुछ कपड़े लेके आया था मैं और जो नहाने का मजा आते हैं तो हमारे भैया ले जाएंगे। हाँ भैया, रोहित है, राहुल भाई, चार लोग हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहा रहे भाई, मुझे पसीना आ रहा है, मैं ही नहाने जा रहा हूँ। देखो ये व्यवस्था कर रखी है नहाने की, नहीं इस पानी से अभी आ रहा है थोड़ी, वो है ना वो इतना ठंडा है कि बर्फ कहाँ जाओगे यादव जी, कहाँ जाओगे तुम? अभी आऊँगा, घर ही आऊँगा दोस्तों, बड़ा मज़ा आ गया यहाँ पे। और दोस्तों इसी के साथ ये ये जो मेरा ये ब्लॉग है इसको मैं ही समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि आप यहाँ पे जितने भी वैरायटी के कैक्टस हैं, पौधे हैं जो भी यहाँ लगाए गए हैं उनको मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँ, ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।